हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोगों को स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं कार फोर सेल सिमुलेटर। एंड तुम सबको याद होगा हमने पिछले वाले एपिसोड में अपनी सारी गाड़ियां सेल कर दी थी एंड अपना शोरूम क्लोज कर दिया था। और इस बार कार फोर सेल में एक नवा अपडेट आ चुका है जिसकी मैंने बात ही करी थी कि कोई अपडेट आएगा देन हम उस अपडेट को खेलेंगे। और मैंने ना ये वाली गाड़ी लैम्बोर्गिनी कार मार्केट से परचेज करी, देन मैंने इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा और मैंने देखा एक नवा अपडेट आया है जो कि मैंने सोचा यार तुम सबको दिखाना जरूर चाहिए। तो चलो अभी ना तुम्हें एक नवा अपडेट देते हैं, तुम्हें नए अपडेट के बारे में बताता हूँ। इसमें आया एक अपडेट जिसमें कि हम एक अपना खुद का एम्प्लॉय रख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया अपडेट है एंड वो एम्प्लॉय पता है कौन होने वाला है? रुको तुम्हें मैं एम्प्लॉय दिखा दूँ। पहले मैं यहाँ होमलेस पीपल को ढूंढता हूँ, बट होमलेस पीपल तो हमारे सामने बैठा है। तो ठीक है, अभी ना इसको उससे बात करनी है। एंड देखो यहाँ पे मैं इसको पैसा दे सकता हूँ एंड $500 में इसे मैं अपने पास रख सकता हूँ, मतलब इसे हायर कर सकता हूँ एंड इसको पर वीक का $500 दे सकता हूँ जिससे कि इसकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। एंड ये भाई पैसे वैसे मांगने का काम छोड़ देगा, इसको एक तरह से हम एक जॉब दे रहे हैं जो कि अपना काम बढ़िया तरीके से करेगा। तो चलो अभी के लिए चलते हैं। और ये जो हमारा वर्कर है ये आएगा कल, हाँ कल आएगा इनके लिए। भाई अपने वर्कर के लिए कुछ गाड़ियाँ परचेज तो करनी चाहिए ना, क्योंकि तुम्हें पता होगा हमने कार्स वगैरह अभी तक नहीं परचेज करा और गाड़ियों को परचेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार देखो शोरूम में अगर कोई गाड़ियां ही नहीं होगी तो भाई मतलब हमारा जो वर्कर हायर करा है वो काम क्या करेगा फिर। तो ठीक है गाइस, फाइनली कार मार्केट आ चुका हूँ। और एक सेकेंड, मैंने गलती से ऐसे रेस देके अपनी लैम्बोर्गिनी की छोड़ दी थी लैम्बोर्गिनी को, और यहाँ पे पोर्च खड़ी है और ये लैम्बोर्गिनी है जिसको मेरे को ना पोर्च का 2 मिनट बार्गेनिंग विदाउट बार्गेनिंग हम परचेस करते हैं यार कार, क्योंकि हम काफी ज्यादा रिच है। तुमने मेरे को बोला था कि अपने पैसे बचा के रखो भाई, कोई तगड़ी डील आएगी देन ना उस गाड़ी को खरीद लेना तुम। तो इसलिए ना मैंने सारे पैसे बचा के रखे और पैसे काफी तगड़े बचा के रखे मैंने। तो ठीक है गाइस, देखो 2 कार मैंने खरीद ली है, पोर्च एंड लैम्बोर्गिनी। तो अभी मेरे को और कार्स देखनी है और यहाँ पे जो गाड़ियाँ होंगी उनको लेंगे। और ये देखो ये चेवरलेट खड़ी है यहाँ पे, तो ठीक है इसका प्राइस क्या है भाई? डैमेज काफी तगड़ा है इसका, बट दिक्कत नहीं है हम परचेज कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो हमारे पास एक और कार आ चुकी है, डैमेज था तो मैंने इसे रिपेयर सेंटर भेज दिया। और ये रही एक BMW, चलो अभी ना एक BMW भी परचेज करते हैं। सॉरी यार मर्सिडीज कूप, मैं भूल गया था कि ये मर्सिडीज है, मेरे को BMW वाला लुक आ रहा था उसमें। तो ठीक है यार, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी हुई है, रुको रुको इसका एवी, ठीक है डॉज 4 थी, चलो मैं इसका नाम भूल चुका था। और इसमें पता क्या सीन है, ये भाई जंक से लाई हुई गाड़ी नहीं है, इसकी क्लीनिंग अच्छी तरह नहीं हुई। और ये वाली कार भी अच्छी है यार, एवरॉन सोच रहा था, हाँ मैं जो डॉज 4 थी ना उसको एवरॉन सोच रहा था, बट ठीक है भाई वो एवरॉन नहीं थी। तो अभी मेरे पास ना बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं है कि मैं इस गाड़ी को लेके जा सकूँ। एंड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब अपनी इस वाली कार को लेके चलेंगे। तो अभी के लिए मैं चल रहा हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी को लेके अपने शॉप में। एंड पता क्या करेंगे, हम काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ परचेज करी हैं उनको ना हम गाड़ियों को बनवा लेंगे जिससे कि ना हमारा जो हायर करा हुआ वर्कर है उन गाड़ियों को देखे। बट ना वो सहज से अभी साफ सफाई करेगा अपने शोरूम की, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। इनके ना स्किल्स होते हैं जो कि मैं तुम्हें स्किल्स पॉइंट्स दिखाऊंगा। तो चलो अभी के लिए मैं चल रहा हूँ यहाँ से रिपेयर शॉप पर चलते हैं। और यहाँ पे 3 टॉवर ट्रक से मंगाई थी एंड 2 गाड़ियाँ ना हमारी, हाँ ठीक है ये रही भाई रिपेयर सेंटर में। तो चलो अभी ना जल्दी से पहले ना इन दोनों को बोल देता हूँ भाई जल्दी जल्दी रिपेयर कर दो क्योंकि तगड़ा मामला है। और भाई इसमें डैमेज कितना तगड़ा था, मैंने सारी की सारी सिंपल परचेज करी है, कोई बार्गेनिंग वगैरह नहीं करी, तो इसके कारण भाई दिक्कत ना हो। बस पैसा बहुत है, दिक्कत तो वैसे है नहीं कोई। एंड मैं अब भाई कंटिन्यू करने वाला हूँ इस सीरीज को दोबारा से क्योंकि अपडेट आ रहे हैं और अपडेट में मजा आएगा कार फोर सेल खेलने में। तो चलो अभी ना इसको वॉश करना है। एंड ये देखो ये ना खाली डैमेज है, बट ना ये जंक यार्ड से लाई हुई कार नहीं यार, कार मार्केट से आया हूँ, तो ये ना सोचना कि मैं इस कार को जंक यार्ड से लेके आया। तो चलो अभी ना मैं इसको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ। एंड ना अभी इसको भाई डैमेज वगैरह है तो इसे भी रिपेयर करवाना पड़ेगा मुझे डॉज 4 को। एंड वो देखो दोनों गाड़ियाँ ना अभी रिपेयर हो रही है, हमारे कस्टमर मतलब हमारे जो रिपेयर पार्टनर्स है जॉनी और माइकल दोनों अपने काम पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई शॉप पे कितना ज़्यादा कूड़ा है और ये कूड़ा मैं नहीं साफ करने वाला, ये कूड़ा साफ करने वाला है हमारा खुद का वर्कर। तो ठीक है, और तुम्हें ना एक चीज़ मैं दिखा रहा था, रुको पहले ना यहाँ पे बिल पे करता हूँ ठीक है। और बिल का ना नोटिफिकेशन अभी गया ही नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। अभी के लिए ना मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो पॉइंट्स वगैरह मेरे पास 25 है और यहाँ पे है एम्प्लॉय के पॉइंट, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय है एंड इसके बाद आता है फास्ट अन एम्प्लॉय,
और उसके बाद भाई सुपर फास्टर एम्प्लॉय आएगा, ये देखो ये रहा सुपर सुपर एम्प्लॉय, ठीक है सुपर फास्टर होगा ये, दोनों काम करेगा एक्स्ट्रा में, वॉश कार को काफ़ी तेजी के साथ करेगा, साफ सफाई भी भाई पूरी तरह से कर देगा और बार्गेनिंग भी करने के काम आएगा। तो इस टाइम समझ लो भाई एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा मेन है, और ये जो एम्प्लॉय है ये होमलेस पीपल है। तो ये आएगा अगले दिन, मेरे को ना अभी इसके लिए मेरे को कुछ गाड़ियाँ तैयार करानी है, तो मैं ना अभी चल के लेके चलता हूँ उसको, अपनी चैवलेट को उसको ना रेडी करवाता हूँ, देन अपनी दूसरी कार को भी रेडी करवाएंगे और अपने शोरूम को रीओपन करेंगे। और हाँ, अगर तुमने GTA 5 की सीरीज नहीं देखी तो जाओ और देखो, अभी और भी तगड़ी स्टोरी बनना बाकी है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा GTA 5 में। तो देखना भाई और सपोर्ट करना GTA 5, तुम सबने कहा था कि GTA 5 देखना चाहते हो, देन मैंने GTA 5 को तभी स्टार्ट कराया, और इसके बाद माइनक्राफ्ट की SMP भी जल्दी आएगी। तो चलो अभी ना मेरे को इसको बस ट्यूनिंग वगैरह कराना है, क्योंकि रिपेयर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, एंड अभी इसको रिपेयर वगैरह कराने के बाद सेल करना है, तो कुछ गाड़ियों को आज हम ना सेल भी कर देंगे। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया टायर्स हैं, ठीक है भाई, ओ ये वाले टायर्स काफ़ी बढ़िया है ना। चलो और यहाँ पे भाई नंबर प्लेट भी ना काफ़ी घटिया लगी थी इसमें, तो मैंने उसको भी चेंज करते हैं, और उसके थोड़े बहुत सस्पेंशन से भी बढ़ा दे रहा हूँ, जिससे कि भाई इसका टायर है उसकी बॉडी में अटैच नहीं होंगे। तो ठीक है गाइस, फाइनली अपनी एक गाड़ी रेडी हो चुकी है, और अभी मेरे को और भी कार्स को रेडी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो और हाँ, यहाँ पे भी जो ये बैग्स पड़े हैं ना कूड़े के, ये अपना ना एम्प्लॉय आके करेगा, मैं देखना चाहता हूँ यार वो शॉप पर आएगा, हमारे शोरूम में आएगा तो करेगा क्या। हाँ मैं साथ में हेल्प ज़रूर कराऊंगा उसकी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी शॉप पर वर्कर आए वो अकेला काम करे, भाई ऐसा होने नहीं देंगे हम। तो चलो अभी के लिए मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, और हमारी जो ये लैम्बोर्गिनी है, रुकना इसमें डैमेज है क्या, नहीं भाई ये ना आराम से बन जाएगी, एंड ठीक है इसमें थोड़ा सा डैमेज है तो इसको ना मैं रिपेयर के लिए भेज देता हूँ, एंड जो अपनी लैम्बोर्गिनी है उसमें डैमेज नहीं है तो दिक्कत नहीं है कोई। तो चलो अभी ना मैं यहाँ से चलता हूँ, और यहाँ पर क्या क्या है, नो वेट लैम्बोर्गिनी खड़ी है, दो लैम्बोर्गिनी है ना मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पोर्च को बोलो भाई जल्दी से करो, और जो अपनी ये जो मर्सिडीज कूप है ना, ठीक है ये रिपेयर से रेडी हो चुकी है भाई, अपने माइकल फ्रेंड ने इसको रिपेयर कर दिया कार को। तो चलो अभी इसमें कलर करवाना है, देखो मर्सिडीज लगती है ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा सुपर, जो हमारी कार फॉर सेल में है, तो मैं इसमें कोशिश करूँगा भाई ब्लैक कलर कराऊँ, एंड ब्लैक कलर कराने के बाद ही ये कार बढ़िया लगने वाली है। तो ठीक है ये पूरी की पूरी हो चुकी है ब्लैक, एंड इसमें कराना है मेटेलिक, ठीक है स्मूथ करा दिया इसमें, स्मूथ के बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी, एंड भाई अब जो सेल होगी हमारी ये मर्सिडीज को काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो अब इसमें ट्यूनिंग करानी है, एंड बाकी की गाड़ियाँ भी रेडी करवानी है, और टाइम क्या हो रहा है अभी, ठीक है भाई अभी शाम होने वाली है तो हमें घर पे भी चलना है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से घर जाऊँ, एंड नेक्स्ट डे हम करेंगे अपने वर्कर से मीटअप करेंगे, मीटअप भाई वर्कर से मज़ा आने वाला है काफ़ी तगड़ा। तो चलो अभी ना अपनी मर्सिडीज कूप को लेके चलते हैं शोरूम में, एंड इसको ना मेरे को चल के अभी लगाना है, और मज़ा आएगा आज काफ़ी तगड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलो अभी ना इसको मैं लगा देता हूँ साइड में, वो दोनों की दोनों कार ना साइन कर रही है, ठीक है वॉश वगैरह है ना तब भी भाई साइन कर रही है, इतना तगड़ा नहीं तो ना इतना तगड़ा साइन नहीं करती है गाड़ियाँ। तो ठीक है गाइस फाइनली अभी के लिए मैं चल रहा हूँ अपने घर पे, सोएंगे एंड नेक्स्ट डे आएंगे, क्योंकि मेरे को अपने वर्कर देखना भाई, वर्कर के लिए मैंने $500 वीकली देने का वादा किया है, तो मैं अपने वर्कर को भी देखना चाहता हूँ, और एक कार तुम्हें याद होगा हमारी रह गई थी तो हमें भी इसको भी लेके चलना है, और उसको थोड़ा बहुत डैमेज है, रुको रिपेयर सेंटर खाली है ना, ठीक है तो फाइनली एक रिपेयर सेंटर भी खाली था वहाँ चल रहे हैं, एंड यहाँ पे और कोई बढ़िया कार तो नहीं है कार मार्केट में, तो ठीक है अभी ना कार मार्केट में कोई बढ़िया सी कार तो नहीं है, बट जो थी मैंने ले ली है वो कार। तो चलो अभी ना जल्दी से चलता हूँ, एंड अभी मेरे को और भी गाड़ियाँ रेडी करवानी है, बट उससे पहले चलेंगे सोने, एंड ना नेक्स्ट डे हमको हम वो जो वर्कर चाहिए उसको देखेंगे। तो चलो अभी के लिए मैं जल्दी से चल के ना सो लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है गाइस फाइनली सुबह हो चुकी है, और सुबह चलना है अब हमने अपने शोरूम पे, और तुम्हें याद होगा पिछले वाले दिन ही मैंने वर्कर हायर करा था जो कि नेक्स्ट डे आना था, तो इस वक्त ना शायद से वाला हमारा वर्कर आ भी चुका होगा, एंड वो अपने काम पे भी लग गया भाई। इस टाइम थोड़ा सिंपल सा ही बंदा है, होमलेस पीपल है, तो ठीक है अब इसका लेवल जैसे जैसे अपग्रेड होगा, और उसने मास्क वगैरह लगाया, चलो भाई ये तो अच्छी बात है कि अपना थोड़ा भाई बीमारियों से बचेगा, तो तुम भी मास्क लगाओ किसी से मिलने से पहले भाई। तो चलो अभी के लिए यहाँ पे इनको उठाना है, ठीक है इसकी ना मैं थोड़ी बहुत हेल्प करा देता हूँ, तो ठीक है गाइस यहाँ पे इसकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत, एंड ना ये जितने भी कूड़े के बॉक्सेस हैं इसलिए हेल्प करा रहा हूँ कि भाई अगला पहले दिन आया है इसे जॉब में ना बुरा ना लगे, एंड आराम से काम वगैरह करता रहे, और उसके पास में सारे के सारे कूड़े के बॉक्स फेंक रहा हूँ, इसलिए कूड़े के ये क्या इसे क्या बोलते हैं कट्टा ही बोलेंगे भाई, ठीक है तो अभी इसको मैं यहाँ पे फेंक दे रहा हूँ, जो कि सारा का सारा उठा के फेंक देगा भाई, काफ़ी ज़्यादा स्लो है अभी ये, ठीक है इसके ना पॉइंट्स वगैरह जो होंगे ना
मेरे को लगता है वहां से ना फास्ट हो जाएगा। चलो भाई आधा काम तो ना इसका मैंने कर दिया, आधे से भी ज्यादा। एंड इस टाइम ये देखो भाई, ये ना आराम आराम से इस गार्बेज वाले बैग्स को लेके जा रहा है। तो चलो, और हाँ तुम्हें बताया था ना मैंने पॉइंट्स के बारे में, तो इनके लिए ना पॉइंट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। पॉइंट्स और बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है, बट कोई बात नहीं। अभी के लिए हम चल रहे हैं यहाँ ऑक्शन में, गाड़ियां देखनी है हमें कौन सी कार्स अवेलेबल है हमारे ऑक्शन ऑप्शन में। तो ठीक है, अभी ना मैं चल के देख लेता हूँ कौन कौन सी कार्स हैं, देन होगा अगर परचेज करने लायक होंगी तो हम गाड़ियों को परचेज। ओ वेट, एक लंबरगिनी है और यहाँ पे एक सुपरा खड़ी है भाई। हाँ ठीक है, सुपरा वगैरह परचेज कर सकते हैं यार हम। सुपरा और लंबरगिनी दोनों ही बढ़िया गाड़ियां हैं, तो मैंने परचेज कर सकता हूँ। तो चलो अभी के लिए मैं चल रहा हूँ शोरूम। 3 बजे की है ऑक्शन, तो 3 बजे ना आके आराम से इन गाड़ियों को सेल करेंगे, सेल नहीं इनको परचेज करेंगे। एंड 2 गाड़ियां भी हैं मेरे पास, उनको सेल पे लगाना है। एक ना मैं पोर्च भी साइज से मेरी रेडी हो चुकी होगी, ठीक है इसको ना मैं एक बार रेडी करा लेता हूँ, देन पोर्च को भी लेके चलेंगे और इन सबको ना सेल करना स्टार्ट कर देंगे आज ही। तो ठीक है, इसमें ना मैं एक बार पेंट देख लेता हूँ कौन सा ठीक है। रेड अपनी लैम्बोर्गिनी काफी बढ़िया है। अब तुम सब ये ना बोलना भाई रेड ही क्यों करवाते हो, क्योंकि सारे कलर हम यूज कर रहे हैं इस टाइम। तो चलो अभी इसको लेके चलते हैं। एक पे ब्लू कराया था मैंने एंड एक पे कराया था डार्क ब्लैक, और अभी मैंने एक रेड कराई है। और भी गाड़ियां हैं उन पे भी हम डिफरेंट कलर करवाएंगे। अभी एक और लैम्बोर्गिनी है उस पे भी तो कलर करवाना है, तो भूलना मत। और अभी इन तीनों गाड़ियों को लगा रहा हूँ मैं सेल पे। तो चलो अभी ना इनको तीनों को लगाना है सेल पे। और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है अभी भी बिल वाला ग्लिच था जो सही नहीं हुआ, इसका नोटिफिकेशन दिखा रहा। और ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी, उसका प्राइस मैं लिखने वाला हूँ $1,000,000, जो कि मैं हमेशा लिखता आता हूँ। 1 मिलियन ही डॉलर लिखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लिखता, क्योंकि मेरे को पता है 1 मिलियन से ज़्यादा ना हमारी जो लैम्बोर्गिनी है वो सेल नहीं होगी। तो चलो अभी इसका प्राइस लिख रहा हूँ $2,00,000 एंड इसका प्राइस लिख रहा हूँ $1,00,000 हमारी मर्सिडीज का। तो मैंने तीनों की तीनों गाड़ियां लगा दी हैं यहाँ पे सेल पे, एंड मेरे को चाहिए अब कस्टमर्स। और कस्टमर के लिए भाई ये बंदा देख रहे हो, 2 मिनट से अपग्रेड कर दूं क्या गाड़ियां वगैरह वॉश करने वाला अपग्रेड खुल जाएगा। रुको रुको रुको, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा मेरे को, ठीक है मेरे पास ना 25 पूरे पॉइंट्स हैं। बट मैं ओ इसके कपड़े चेंज हो गए, ये देखो भाई ऐसे ऐसे ना मैं इसको अपग्रेड करता रहूंगा ना, देन ये चेंज होता रहेगा भाई। ये काफी बढ़िया लगा यार मेरे को, अपग्रेड करना पड़ेगा भाई इसे, तगड़े वाला अपग्रेड करेंगे अगले वाले एपिसोड में। अभी नहीं, कंटेंट की कमी है कार फॉर सेल वाली, कंटेंट चाहिए अगर कार फॉर सेल का, देन फिर इसका अपडेट देखना पड़ेगा तुम्हें अच्छी तरह। तो चलो अभी के लिए यहाँ पे मैं शॉप को ओपन कर रहा हूँ, एंड शोरूम को ओपन करने के बाद हम भाई वेट करते हैं और इसका बस देखूंगा मैं ये कब तक गाड़ियों को वॉश वगैरह करने जाता है, क्योंकि ना सारी की सारी कार्स वॉश पकड़ी है और तीनों की गाड़ियाँ तभी भाई इतनी ज़्यादा साफ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लैम्बोर्गिनी को ले जाऊँ, क्योंकि ये गंदी थी। तो ठीक है भाई, जॉनी वाले ने अपना काम कर दिया, बस माइकल भाई थोड़ा लेट है, क्योंकि माइकल भाई ने अभी तक जो अपनी गाड़ी थी उसको वॉश नहीं करा। बट चलो कोई बात नहीं, एविएटर को भाई वॉश नहीं करा उसने। एंड अभी मेरे पास एक पोर्च बची हुई है, रुको इसे ना मेरे को पेंट कराना है, देन से ना मैं लेको लेके चलना है। और एक सेकेंड, जहाँ पे जो हमारा वर्कर था वो उसकी भाई मूवमेंट हुई है थोड़ी सी। ओ वेट भाई, ये कार वॉश कर रहा है लिटरली भाई सही में। देखो बट ये दूर से साफ कर रहा है, और धूल मिट्टी सब हवा में भाई, ये बढ़िया कर रहा है यार। ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड भाई ये गाड़ियाँ वगैरह वॉश करेगा तो इससे क्या होगा, हमारी शॉप पे हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलो एक फ़ायदा तो हो गया है हमारा। एंड अभी मेरे को और कार्स को रेडी करवाना है, तो ठीक है पोर्च रेडी करवानी है भाई। अभी 2-3 कार्स और भी बची हुई हैं, उनको भी रेडी कराना है, इसको ना रिपेयर के लिए भेज देता हूँ। एंड तुम्हें पता है अपनी पोर्च कितनी ज़्यादा बढ़िया है। तो चलो इसका ना पेंट कलर मेरे को चुनना पड़ेगा यार, काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ तो पेंट कलर मेरे को ना देखना पड़ेगा, पेंट कौन सा करवाऊँ उसमें। इसमें पिंक नहीं, ग्रीन कराते हैं चलो, ठीक है डार्क ग्रीन मैंने इसमें, और नहीं लाइम ग्रीन कराया भाई, लाइट ग्रीन। एंड लाइट ग्रीन में अपनी पोर्च बढ़िया लग रही है वैसे, फरारी वगैरह भी बढ़िया लगती है, पर ठीक है अपनी ये लाइम भाई पोर्च भी अच्छी लग रही है। बस इसको मेरे को रिपेयर ट्यूनिंग करवानी है, देन इसको लेके चलना। और हाँ इसको वॉश नहीं करेंगे, ना खुद करेंगे ना इसको वॉश करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास वर्कर है, तुम याद होगा तुम्हें। चलो अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं, एंड इसको ना ठीक है अब क्रेडिट है, अभी मेरे को ना यहाँ पे इस पर बैठना है, बस इसको लेके चलना है और इसको रिपेयर करवाना है। और अभी बाकी और भी गाड़ियाँ हैं, और टाइम क्या हुआ है ठीक है 1 बजे। और एक भाई क्या बंदे की स्पीड थी, उसने एकदम लिटरली भाई ब्रेक मार दी। तो ठीक है इसमें ना मैं एक बार पेंट देख लेता हूँ कौन सा ठीक है। रेड अपनी लैम्बोर्गिनी काफी बढ़िया है। अब तुम सब ये ना बोलना भाई रेड ही क्यों करवाते हो, क्योंकि सारे कलर हम यूज कर रहे हैं इस टाइम।
तो चलो अभी इसको लेके चलते हैं। एक पे ब्लू कराया था मैंने एंड एक पे कराया था डार्क ब्लैक, और अभी मैंने एक रेड कराई है। और भी गाड़ियां हैं उन पे भी हम डिफरेंट कलर करवाएंगे। अभी एक ओल्ड लैम्पर की नहीं है उस पे भी तो कलर करवाना है, तो भूलना मत। और अभी इन तीनों गाड़ियों को लगा रहा हूँ मैं सेल पे, तो चलो अभी ने इनको तीनों को लगाना है सेल पे। और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है अभी भी बिल वाला ग्लिच था जो सही नहीं हुआ, इसका नोटिफिकेशन दिखा रहा। और ये रही हमारी लैम्बोर्गिनी, उसका प्राइस मैं लिखने वाला हूँ $1 million, जो कि मैं हमेशा लिखता आता हूँ। $1 million लिखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लिखता, क्योंकि मेरे को पता है 1 मिलियन से ज़्यादा ना हमारी जो लैम्बोर्गिनी है वो सेल नहीं होगी। तो चलो अभी इसका प्राइस लिख रहा हूँ $2 लाख एंड इसका प्राइस लिख रहा हूँ $1 लाख हमारी मर्सिडीज का। तो मैंने तीनों की तीनों गाड़ियां लगा दी हैं यहाँ पे सेल पे एंड मेरे को चाहिए अब कस्टमर्स। और कस्टमर के लिए भाई ये बंदा देख रहे हो, दो मिनट से अपग्रेड कर दूं क्या गाड़ियां वगैरह वॉश करने वाला अपग्रेड खुल जाएगा। रुको रुको रुको, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा मेरे को, ठीक है। मेरे पास ना 25 पूरे पॉइंट्स हैं, बट मैं ओ इसके कपड़े चेंज हो गए ये देखो भाई। ऐसे ऐसे ना मैं इसको अपग्रेड करता रहूंगा ना, देन ये चेंज होता रहेगा भाई। ये काफी बढ़िया लगा यार मेरे को, अपग्रेड करना पड़ेगा भाई इसे, तगड़े वाला अपग्रेड करेंगे अगले वाले एपिसोड में। अभी नहीं, कंटेंट की कमी है कार फॉर सेल वाली, कंटेंट चाहिए अगर कार फॉर सेल का, देन फिर इसका अपडेट देखना पड़ेगा तुम्हें अच्छी तरह। तो चलो अभी के लिए यहाँ पे मैं शॉप को ओपन कर रहा हूँ एंड शोरूम को ओपन करने के बाद हम भाई वेट करते हैं। और इसका बस देखूंगा मैं ये कब तक गाड़ियों को वॉश वगैरह करने जाता है, क्योंकि ना सारी की सारी कार्स वॉश पकड़ी है और तीनों की गाड़ियाँ तभी भाई इतनी ज़्यादा साफ हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लैम्बोर्गिनी को ले जाऊँ क्योंकि ये गंदी थी। तो ठीक है भाई, जॉनी वाले ने अपना काम कर दिया, बस माइकल भाई थोड़ा लेट है क्योंकि माइकल भाई ने अभी तक जो अपनी गाड़ी थी उसको वॉश नहीं करा। बट चलो कोई बात नहीं, एविएटर को भाई वॉश नहीं करा उसने एंड अभी मेरे पास एक पोर्च बची हुई है, रुको इसे ना मेरे को पेंट कराना है, देन से ना मैं लेको लेके चलना है। और एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा वर्कर था वो उसकी भाई मूवमेंट हुई है थोड़ी सी। ओ वेट भाई, ये कार वॉश कर रहा है लिटरली भाई सही में। देखो बट ये दूर से साफ कर रहा है और धूल मिट्टी सब हवा में, भाई ये बढ़िया कर रहा है यार। ये मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। एंड भाई ये गाड़ियां वगैरह वॉश करेगा तो इससे क्या होगा, हमारी शॉप में हमारी जो गाड़ियां हैं उनका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो चलो एक फायदा तो हो गया है हमारा एंड अभी मेरे को और कार्स को रेडी करवाना है। तो ठीक है, पोर्च रेडी करवानी है भाई, अभी दो तीन कार्स और भी बची हुई हैं उनको भी रेडी कराना है, इसको ना रिपेयर के लिए भेज देता हूँ। एंड तुम्हें पता है अपनी पोर्च कितनी ज़्यादा बढ़िया है। तो चलो इसका ना पेंट कलर मेरे को चुनना पड़ेगा यार, काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ तो पेंट कलर मेरे को ना देखना पड़ेगा पेंट कौन सा करवाऊँ उसमें। इसमें पिंक नहीं, ग्रीन कराते हैं चलो, ठीक है डार्क ग्रीन मैंने इसमें, और नहीं लाइम ग्रीन कराया भाई, लाइट ग्रीन। एंड लाइट ग्रीन में अपनी पोर्च बढ़िया लग रही है वैसे, फरारी वगैरह भी बढ़िया लगती है पर ठीक है अपनी ये लाइम भाई पोर्च भी अच्छी लग रही है। बस इसको मेरे को रिपेयर ट्यूनिंग करवानी है, देन इसको लेके चलना। और हाँ, इसको वॉश नहीं करेंगे, ना खुद करेंगे ना इसको वॉश करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास वर्कर है, तुम याद होगा तुम्हें। चलो अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं एंड इसको ना ठीक है अपग्रेडेड है, अभी मेरे को ना यहाँ पे इस पर बैठना है, बस इसको लेके चलना है और इसको रिपेयर करवाना है। और अभी बाकी और भी गाड़ियाँ हैं और टाइम क्या हुआ है, ठीक है 1 बजे और एक भाई क्या बंदे की स्पीड थी, उसने एकदम लिटरली भाई ब्रेक मार दी। तो ठीक है गाइस, फाइनली अब बारी है ऑक्शन में जाने की, क्योंकि ना यार 5 बज गए मैंने कोई टाइम नहीं देखा एंड ऑक्शन में गया ही नहीं। तो मैं ना सुपरा और लैम्बोर्गिनी परचेज करना चाहता था, बट मेरे को लगता है एक गाड़ी मेरे हाथ से निकलने वाली है और लगा ही था भाई क्या ड्रिफ्ट लगी यार छोटी सी। कोई बात नहीं, अभी बात कर रहे थे हम, हमारे पास एक चांस है कि हम लैम्बोर्गिनी को परचेज कर लें, बस मेरे को वेट करना है कि भाई ये ना बार बार बिडिंग लगाते रहेंगे। मैंने 4,70,000 की नहीं बिडिंग थी एंड मेरे आने के बाद ये पहुंच चुकी है 5 लाख पे। तो चलो देखते हैं ये बिडिंग कहाँ ख़त्म होती है, और कोई रुक ही नहीं रहा यार, इसकी बिडिंग रोक ही नहीं रहा। ठीक है 5,15,000 में लैम्बोर्गिनी हुई हमारी। तो मेरे पास यार काफ़ी ज़्यादा लैम्बोर्गिनी होनी थी, पहले एक लैम्बोर्गिनी ये मिली कार मार्केट से, उससे पहले मेरे को एक लैम्बोर्गिनी मिली थी एंड अभी भी एक लैम्बोर्गिनी ऑक्शन से मिली है। तो चलो अभी कोई बात नहीं, इस गाड़ी का भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। अभी मेरे पास जो लैम्बोर्गिनी है उसको रेडी करवाता हूँ, इसको लगाते हैं अपने शोरूम में, और अभी इसमें काफ़ी सारा काम भी बाकी है तो वो भी करवाएंगे। और उसका कलर कौन सा करवाएं, डिफरेंट पिंक करा दूँ क्या, हाँ पिंक ठीक है भाई पिंक कलर, कोई बात नहीं बढ़िया लगेगा पिंक कलर भी। तो चलो गाइस फाइनली हमने अपनी लैम्बोर्गिनी, तुम बोलते थे ना रेड क्यों कराते हो, लो पिंक करा दिया भाई, पिंकस हो गया इसका कलर। तो ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास पोर्च एंड इसके पास भी ना काफ़ी कस्टमर खड़े हुए हैं, रुको
ये कस्टमर को ना मेरे को देखना है आगे पीछे जो लग के खड़े हुए ना इनको मेरे को ठीक है अभी मैं इनसे पूछूंगा कि क्या प्राइस में गाड़ी दे रहे हो। हमारा भाई वर्कर है ना वो पूरी तरह से रेडी होता है गाड़ियां वॉश करने के लिए। तो चलो अभी एक कार बची है, ये कौन सी कार है? ठीक है ये ऐसे डॉज चार है, नहीं डॉज चार पता नहीं कौन सी गाड़ी है भाई, याद दिलाओ मेरे को कमेंट करके कौन सी कार है जो कि मैं नाम भूल चुका हूँ उसका। तो ठीक है अभी ना ठीक है इसका देख लो भाई डैमेज देख लो तगड़ा है आगे की तरफ, वैसे डैमेज नहीं है ये खाली थोड़ा बहुत डट है जो कि फ्रंट बोनेट पे इसके जम गया है। ये देखो भाई पूरी गाड़ी पे रेड कलर है बट बोनेट बोनेट गंदा दिख रहा है। तो ठीक है अपना जो वर्कर है वो साफ करेगा, वो किस लिए रखा है हमने, वो उसको इसलिए रखा है भाई कि साफ सफाई करे अपना एंड हफ्ते के पैसे देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी ना यहाँ पे अपनी कार को खड़ा देता हूँ। देखो मेरे पास चार कार्स हैं जो कि मैं सेल कर सकता हूँ और अभी एक लैम्बोर्गिनी भी है उसको भी मेरे को सेल करना है, ऑक्शन के बाहर है जो। तो चलो अभी ना यहाँ पे इनसे प्राइस वगैरह पूछते हैं। टोयोटा एवरॉन का ये प्राइस क्या दे रहे हैं? 60,000 का ये कम दे रहे हैं यार, 46,000। एंड ये मैडम मेरे को कितना दे रहे हैं? कितना दे रहे हो मैडम आप? 40 नहीं मैम कम है थोड़ा। सर कितना दे रहे हैं? अगर अच्छा प्राइस होगा तो ठीक है वरना भाई ये इससे अच्छा ना ये वाली मैडम दे रही। ओ मैडम चली गई भाई, $49,000 दे रही थी बट वो जा चुकी है और पोर्च के आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर है और रात हो गई थी यार, रात भी इसी वक्त होनी थी क्या? और यहाँ अच्छा ये साफ सफाई कर रहा है हमारा वर्कर है, कोई बात नहीं हफ्ते हफ्ते अब ये सैलरी लेगा हमारा वर्कर जो होमलेस था बेचारे को अब नवा एक घर मिल चुका है। तो ठीक है गाइस यहाँ पे अच्छा ऑफर मिल रहा है मेरे को 2,55,000 का एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ ये गाड़ी में खाली जल्दी। ठीक है भाई 2,90,000 में मैंने पोर्च आराम से सेल कर दी और मेरे पास अभी लैम्बोर्गिनी ये वाली गाड़ी बची हुई है। ये देखो ये फ्रंट से इसने साफ कर दी, पूरी तरह से अपनी साफ हो चुकी है गाड़ी। अभी यहाँ शॉप को बंद करो एंड अभी मेरी जो लैम्बोर्गिनी थी तुम्हें याद होगा इसको लेके आनी है मेरे को ऑक्शन से अपने शोरूम में। तो चलो अभी ना उसको लेके आते हैं एंड अभी मेरे को अगले वाले एपिसोड में बताना कि और क्या क्या हमारे शोरूम में करना बाकी है। अभी देखो दोनों अपडेट को देखेंगे एंड देखते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड हमारे जो क्या कहते हैं वर्कर की है वो बढ़ती है। तो चलो अभी ना इसको मैं लेके चलता हूँ जल्दी से अपने शोरूम में और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। तो चलो गाइस ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कार फॉर सेल का एपिसोड तुम सबको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।